मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा का जादू चला। यहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए नतीजा काफी ज्यादा खराब रहा। सपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगाया था। पार्टी की ओर से 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे। सपा किसी भी सीट पर जीत के करीब तो नहीं पहुंची, लेकिन हाँ, कुछ सीटों पर कांग्रेस का खेल जरूर बिगाड़ा है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ा, उनमें प्रमुख रूप से चांदला, निवारी, राजनगर, गुनौर और जतरा सीट शामिल है। बता दें कि इन सीटों पर सपा को लगभग उतने ही वोट मिले जितने वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। चांदला विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी 15,000 वोटों से जीत हासिल कर पाए, तो वहीं इस सीट पर सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र कुमार को 24,000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को 54,000 वोट मिले। निवारी विधानसभा में बात की जाए तो यहां पर भाजपा प्रत्याशी ने 17,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। वहीं सीट पर सपा की मीरा यादव को 32,000 वोट मिले। कांग्रेस को यहां 37,000 वोट मिले। गौरतलब है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साझेदार होने की हैसियत से सीटों की मांग कर रहे थे। कमलनाथ ने उन्हें एक भी सीट देने से साफ इनकार कर दिया। अखिलेश ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर उनसे बातचीत की थी। 7 सीटें उन्हें देने की बात हो रही थी, लेकिन बाद में कांग्रेस मुकर गई। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से खासा नाराज थे। अखिलेश यादव कमलनाथ के रवैये से बेहद आहत हुए। सपा प्रमुख के अपमान का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी जोर शोर से उछला। सपा नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश ने बिफर कर यहां तक कह दिया था कि अगर उन्हें पता होता कि राज्यों में गठबंधन की बात नहीं है तो सपा कांग्रेस संग बैठक करने नहीं जाती। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बीच भी तल्खी देखने को मिली थी। कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि मध्य प्रदेश में वो सरकार बनाने वाली है और ऐसे माहौल में वो बाद में अखिलेश यादव को मना लेगी, लेकिन अब दांव उल्टा पड़ चुका है और इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी भले ही मध्य प्रदेश में ना जीती हो, लेकिन कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।